बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की एक नई फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हम बात कर रहे हैं ओ माय गॉड 2 की। आज उसका टीजर रिलीज कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसके सामने होने वाली है गदर 2, जिसमें काफी जबरदस्त तरीके से भिड़ंत होगी क्योंकि सामने तारा सिंह होंगे, जिसको हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है क्योंकि तारा सिंह बहुत ही प्यारा करेक्टर है जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया था। सन 2001 की सेकंड पार्ट है। बात करते हैं इस फिल्म की। ओ माय गॉड 2 का जो टीजर दिखाया गया है जिसमें अक्षय कुमार भगवान के करेक्टर में नजर आ रहे हैं और उनके जो भक्त बने हुए हैं पंकज त्रिपाठी। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो आया था ओ माय गॉड का, उसमें थे परेश रावल जिसका एक अहम रोल था जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। उसमें कांजीलाल मेहता जो नास्तिक रहते हैं जिनको भगवान पे यकीन नहीं होता, बट पंकज त्रिपाठी जो वो आस्तिक हैं जिनको भगवान पे पूरा भरोसा है कि सच्चे मन से दिल से अगर भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान तुमको जरूर मिलने आएंगे, ये उनकी आस्था है। टीजर में होता भी कुछ यही है क्योंकि वो दिल से मन्नत मांगते हैं और अक्षय कुमार उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, यानी भगवान बनकर। बैकग्राउंड में हर हर महादेव का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी अच्छा लगता है, सुनने में काफी ज्यादा मजा आती है, जो लोगों के लिए एक्साइटमेंट पैदा करती है इस फिल्म को देखने के लिए। एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड में बिना भगवान बिना गॉड के लिए लेकर कोई फिल्म बना ही नहीं सकता। उनको लगता है सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप नाम भगवान का कोई भी चीज डाल दोगे तो फिल्म ऑटोमेटिक ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, पर ये उनकी गलती है। अभी लेटेस्ट हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष का हाल लोग देख सकते हैं कि आप नाम जिसका ले रहे हो उनके बारे में सही तरीके से दिखाओ, उनके बारे में कोई चीज गलत ना हो। लेकिन बॉलीवुड के डायरेक्टर ज्यादातर जो है अपने हिसाब से दिखाने के चक्कर में जो रियल होता है ना उसको हटा देते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ नया करके दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन वो पसंद नहीं करते, उल्टा उनको गाली पड़ती है, यही होता है। लेकिन बहरहाल हम तो कहेंगे बार बार मैं बोलता हूं अपने वीडियो में कि किसी भी भगवान के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। बात करें अक्षय कुमार के लुक की तो अक्षय कुमार पूरी तरीके से इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए काफी मेहनत की, उनको लग गया है कि पृथ्वीराज के बाद उनको लगा है कि जो भी कैरेक्टर करो उसमें पूरी तरीके से घुसना पड़ेगा, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि हाँ उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा वर्क किया है। इसका टीजर जो भी देखने को मिला है वो ठीक ठाक है, अब इसका फुल ट्रेलर देखने को मिलेगा तो पता चले। देखो मैं ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि जहां आस्थाएं खुद की लोगों की जुड़ जाती है ना तो वहां देखना बहुत जरूरी होता है कि वो चीज जो दिखाई जा रही है वो सही है गलत है, क्योंकि आदि पुरुष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरू में जब ये आया था लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया था, लेकिन जब फिल्म थिएटर में लगी तो पता चला कि इसने पूरी रामायण की वाट लगा दी है, समझ रहे हो। अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ा मौका है कि ये फिल्म एक जबरदस्त कामयाब हो जाए, क्योंकि अक्षय कुमार कई सालों से तरस रहे एक हिट फिल्म के लिए। उनकी बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं। स्टार्टिंग हुई थी लक्ष्मी बम से, जैसे लक्ष्मी बम आई ओटीटी पे और दर्शकों ने उसको नकार दिया था। फिर उनकी दूसरी फिल्म आई थी पृथ्वीराज, जिससे उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जो कि यशराज का सपना था, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था, उसमें पैसा भी बहुत कायदे से खर्चा किया गया था, लेकिन फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। बच्चन पांडे का भी हाल आपको पता ही है। फिर उसके बाद रक्षाबंधन आई, चार बहनों की कहानी, जहां इमोशन ड्रामा सब कुछ देखने को मिला, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। फिर आई मिस्ट्री, जिसमें थ्रिलर सस्पेंस सब कुछ था, यानी कठपुतली, वो भी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो अक्षय कुमार को बहुत जरूरत है एक हिट फिल्म की, तो हो सकता है ओ माय गॉड दे दे, लेकिन इसकी चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि इनके सामने जो है सनी पाजी हैं गदर 2 है। मैं बार बार कहता हूँ गदर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे लोग दिल में बसा के बैठे हैं। तारा सिंह को सबको प्यार है, तारा सिंह की वो अदाएं लोगों को बहुत पसंद आई थी जब ये फिल्म पहली रिलीज होती। क्या तारा सिंह को टक्कर दे पाएगी ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। बहरहाल अब बात करें अक्षय कुमार के, अगर जो कैरियर को डूबते हुए कैरियर को मैं बोल रहा हूँ 100% बचा सकती है, वो कोई और फिल्म नहीं हो सकती, वो हो सकती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो 2024 में ईद में रिलीज होगी। उसको डायरेक्ट करने वाले अली अब्बासफर हैं, उनके साथ में टाइगर श्रॉफ भी नजर आएंगे। इस फिल्म से पूरी उम्मीद है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी होगी, बट हम तो ये कहेंगे यार अक्षय कुमार को एक जबरदस्त कामयाबी इस फिल्म से मिल जाए ताकि अक्षय कुमार की फिर से जो फ्लॉप फिल्म का सिलसिला है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अक्षय कुमार एक बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने कई फिल्में हम लोगों को दी हैं जो आज भी याद आती हैं कि अक्षय कुमार ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे कुछ भी हो, जबरदस्त। जब दिन खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है। इस फिल्म को अमित राय ने डायरेक्ट किया और ये फिल्म 11 अगस्त को आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको टीजर कैसा लगा ये भी मुझे बताएगा। मुझे तो ठीक ठाक लगा, जब तक फिल्म का फुल पूरा ट्रेलर नहीं आएगा तब तक मैं आपको नहीं बता सकता। और वीडियो भाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप संजय स्टूडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके डाटा बाबा, सी यू अगेन, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।